Hey guys, this is your client. You're watching Education Side. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इस ट्रिपल आईटी के बारे में कंप्लीट ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पे बात करेंगे, फी स्ट्रक्चर बताएंगे आपको, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, इस कॉलेज का 2022 का कट ऑफ क्या था, प्लेसमेंट कैसी है, कैंपस लाइफ क्या है, कैंपस कैसा है, यानी सारी चीजें डिटेल में इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की। तो ये ट्रिपल आईटी 2005 में एस्टेब्लिश हुआ था, 260 एकड़ का इनका कैंपस है। कैंपस के अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, वो काफी बेहतर मिलती हैं। ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर का जो कैंपस है वो फुली रेजिडेंशियल कैंपस है, यानी हर एक स्टूडेंट को कैंपस में रहना कंपलसरी है। अगर बात करते हैं कोर्सेज की, तो यहाँ पे आपको बीटेक, एमटेक, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, मास्टर ऑफ डिज़ाइन एंड पीएचडी का कोर्स ऑफर होता है। कनेक्टिविटी देखते हैं तो जबलपुर रेलवे स्टेशन से इसका जो डिस्टेंस है वो 10.5 किलोमीटर का है। एंड ये जो कॉलेज है ये एयरपोर्ट रोड में है, डुमना एयरपोर्ट से इसका जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 4 किलोमीटर्स का है। एंड कॉलेज के साइड में अगर आप जाते हो तो आपको ग्रीनियस इन्वायरमेंट मिलता है, ग्रीनरी काफ़ी है, यानी वो जो एरिया है वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो आपको जंगल टाइप का मिलता है और बहुत ही प्यारा लगता है वो, स्पेशली बरसात के टाइम पे। तो व्यू आपको ट्रिपल आईटी डीएम से बहुत बढ़िया मिलेगा और जो वहां पे डुमना नेचर पार्क है कॉलेज के पास में ही है वो आपको बहुत ही बेहतर मिलता है। तो ओवरऑल आप ये मान के चलो कि कैंपस का जो व्यू है वो आपको ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर में सबसे बेस्ट मिलता है। अगर बात करें सीट मैट्रिक्स की, तो यहां पे बीटेक के लिए टोटल 4 ब्रांच हैं, जिनमें कंप्यूटर साइंस में 273 सीट्स हैं, काफी ज्यादा हैं। ईसी में यहां पे 140 सीट्स हैं, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में 70 एंड मैकेनिकल में 69 सीट्स हैं। अगर बात करते हैं एनआईआरएफ की, तो एनआईआरएफ पे बिल्कुल मत जाना क्योंकि ये रैंकिंग काफी डाउन है, लेकिन कॉलेज के अंदर की जो फैसिलिटीज हैं वो आपको इससे काफी बेहतर मिलती हैं, प्लेसमेंट वगैरह इससे काफी बेहतर है। 2022 में एनआईआरएफ 82 थी, 2021 में 80 थी। और अगर फीस की बात करते हैं तो कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे आपको 86,220 रुपीस पे करने होंगे। ये जो ट्रिपल आईटी है, ये ओवरऑल जितनी भी ट्रिपल आईटी है ना, उनमें से सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है। यहाँ पे जो फीस लगती है वो काफी कम लगती है। अगर ट्यूशन फी की बात करें तो पर सेमेस्टर यहाँ पे 65,220 है, एंड जो अदर चार्जेस हैं वो पर सेमेस्टर 7,500 है। हॉस्टल फी की बात करते हैं तो हॉस्टल सीट का जो रेंट है वो पर सेमेस्टर 11,000 है, लेकिन 11,000 के हिसाब से हॉस्टल में जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो आपको काफी बेहतर लेवल की मिलती हैं। एंड जो मेस का चार्ज है वो पर सेमेस्टर 14,000 है। टोटल यहां पे आपको 25,000 जमा करने होंगे एडमिशन के टाइम पे। और कॉलेज जो एससी एसटी वाले बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराता है। बाकी अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अपने स्टेट की मिल ही जाती है कैटेगरी वाली। एंड अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो MMBY मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, जिससे कि जो इंस्टीट्यूट फीस लग रही है ट्यूशन फीस जो कि 65,220 है वो आपको नहीं पे करनी पड़ेगी अगर आपको MMBY मिल जाती है तो। इसका क्राइटेरिया एकदम बेसिक है, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, आपने क्लास 12th में 75% या उससे अधिक स्कोर किया है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। अब आप इस बात का ध्यान रखिएगा, या तो आप MMBY ले लें या तो आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ले लें, दो में से एक ही स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं, दोनों को एक साथ नहीं ले सकते, एकदम बेसिक सी बात है। ऐसे ही अलग अलग स्टेट की स्कॉलरशिप होती हैं, उनके लिए आप एलिजिबल रहोगे। कॉलेज में फीस की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बड़े आराम से इस कॉलेज की जो फी है वो बियर कर सकते हो। अब बात करते हैं इस कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस की, तो वो भी एकदम बेसिक है। सबसे पहले जेई मेन 2023 का एग्जाम दीजिए, एंड इसके बाद आपको अपनी काउंसलिंग जोसा एंड CSEB के थ्रू करनी होती है। जोसा एंड CSEB की काउंसलिंग में आप इस कॉलेज में चॉइस फिलिंग करके और यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब जोसा CSEB काउंसलिंग के लिए क्लास 12th में अगर आप जर्नल AWS से OBC से हो तो 75% या उससे अधिक चाहिए, एंड अगर आप SC ST या PWD से हो तो 65 या उससे अधिक परसेंटेज चाहिए, या फिर आप अपने जिस भी बोर्ड से आपने क्लास 12th दिया है उस बोर्ड के टॉप 20% कैंडिडेट में हो तो आप इस कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। ये एकदम लेटेस्ट रूल बता रहा हूँ 2023 बैच वाले बच्चों के लिए। अब बात करते हैं इस कॉलेज के कैंपस
कैंपस लाइफ के बारे में। तो कैंपस एंड कैंपस लाइफ बहुत बढ़िया है, व्यू बहुत बढ़िया मिलता है, एकदम नेचुरल कैंपस है, आपको मतलब बहुत ही बढ़िया ओवरव्यू देखने को मिलेगा इस कॉलेज में, कोई डाउट नहीं है। अगर बात करें हॉस्टल की तो इस कॉलेज में 3 बॉयज़ हॉस्टल हैं, हॉल ऑफ रेजिडेंस 1 जो है वो सिंगल सीटेड है एंड हॉल ऑफ रेजिडेंस 3 एंड 4 जो है वो ट्रिपल सीटेड है। यहाँ पे कुछ हॉल ऑफ रेजिडेंस जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, वो आगे बनेंगे और इसके बाद वहाँ पे भी बच्चों को एकोमोडेट किया जाएगा। यहाँ पे एक गर्ल्स हॉस्टल है एंड 2 वार्डन हर एक हॉस्टल के अंदर होते हैं, जो कि एक हॉस्टल के इंचार्ज होते हैं और एक मिस के इंचार्ज होते हैं। बाकी हॉस्टल जो है वो फुली रेजिडेंशियल हैं, तो यहाँ पे आपको सारी बेसिक फैसिलिटी जो डे बाय डे लाइफ में आपको रिक्वायर्ड होती हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। कॉलेज के हॉस्टल में आपको मेस मिल जाएगा, एक कैफेटेरिया भी है, स्टेशनरी शॉप है, वाईफाई इंटरनेट फैसिलिटी बहुत बढ़िया है एंड गेस्ट रूम भी है, जिमनेशियम है, रीडिंग रूम है, रिक्रिएशन रूम है, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी बेहतर मिल जाती है। बस फैसिलिटी भी कॉलेज ऑफर करता है, जो कि कॉलेज हॉस्टल से रेलवे स्टेशन एंड सिटी के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के लिए होती हैं। तो अगर आपको कॉलेज के बाहर कुछ काम वगैरह है या रेलवे स्टेशन वगैरह जाना है तो आपको कहीं ऑटो में भटकने की जरूरत नहीं है, कॉलेज खुद की बस सर्विस भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं जो कि हॉस्टल की मैंने बता रखी हैं। पहली पिक्चर हॉल ऑफ रेसिडेंस 3 की है एंड दूसरी जो है वो हॉस्टल सेक्शन का पूरा व्यू है दूर से। थर्ड पिक्चर जो है वो यहाँ पे हॉल ऑफ रेसिडेंस 4 की है, जो 3 एंड 4 है दोनों ही ट्रिपल सीटेड है, और जो फोर्थ पिक्चर है ये ट्रिपल आई टी डी एम जबलपुर का गर्ल्स हॉस्टल है। तो हॉस्टल के जो स्ट्रक्चर है वो आपको काफ़ी बेहतर लेवल का मिलता है एंड जो फैसिलिटीज़ है हर एक हॉस्टल के रूम के अंदर आपको बेड हो गया, चेयर हो गई, जो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड होती है ना वो आपको मिल जाती हैं। बाकी बेडशीट वगैरह का इंतजाम आपको खुद से करना होता है। ओवरऑल आपको फ़ैन वगैरह, चेयर वगैरह सब कुछ मिल जाती है। अगर आप हॉस्टल के अंदर कूलर वगैरह का देखते हो या फिर आपको गीज़र वगैरह चाहिए विंटर मतलब समर के सीज़न में, आपको अगर कूलर वगैरह चाहिए, विंटर में आपको गीज़र वगैरह चाहिए, हॉट वाटर वगैरह चाहिए, तो उसके लिए कॉलेज हॉस्टल से परमिशन लेके आप यहाँ पे कूलर वगैरह भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें कैंपस के स्पोर्ट्स फैसिलिटी की तो वो भी आपको बेहतर मिलती है ट्रिपल आई टी डी एम के अंदर। यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो आपको बताया गया है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको डिसेंट फैसिलिटी मिलती है। बाकी कॉलेज का खुद का क्रिकेट ग्राउंड है एंड फुटबॉल फील्ड है, वॉलीबॉल बास्केटबॉल ग्राउंड भी हैं, बैडमिंटन कोर्ट है एंड टेबल टेनिस कोर्ट है। तो सारी बेसिक फैसिलिटीज़ आपको आराम से इस कॉलेज में मिल जाती हैं। ट्रिपल आई टी डी एम जबलपुर का जो स्पोर्ट्स फेस्ट है, जो कि इंटर ट्रिपल आई टी स्पोर्ट फेस्ट होता है गस्टो, एंड ये काफ़ी बड़े लेवल पे होता है। इसमें 20 के करीब ट्रिपल आई टी ने पिछले साल पार्टिसिपेट किया था और इनकी डीजे नाइट वगैरह जबलपुर के अंदर फेमस है पूरे। तो गस्टो के अंदर बहुत बढ़िया क्राउड होता है एंड बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं। तो ये मान के चलो कि ट्रिपल आई टी के अंदर ये जो इवेंट है ना अगस्त, ये बहुत बढ़िया लेवल पे होता है और आपको बहुत इंजॉय करने को मिलेगा। ओवरऑल कॉलेज की जो कैंपस लाइफ है वो आपको काफ़ी बेहतर मिलती है। अब बात करते हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे 2022 बैच में जो हाईएस्ट पैकेज था वो 46 लाख का था, जो कि कंप्यूटर साइंस से गया था, अमेजोन की तरफ से ऑफर किया गया था। सेकेंड हाईएस्ट पैकेज जो है वो 45 लाख का था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से गया था। जो एवरेज पैकेज है टोटल बीटेक का वो 13.63 LPA, यानी 13.5 लाख का ओवरऑल बीटेक का एवरेज पैकेज है एंड एमटेक का ओवरऑल एवरेज पैकेज 10 लाख का है। टोटल 100 से प्लस कंपनियां विजिट की थी, उन्होंने 450 प्लस ऑफर दिए थे। और अगर बात करते हैं एवरेज पैकेज की ब्रांच वाइज, तो कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज तो नो डाउट लगभग 19 लाख का कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज है, जो कि काफ़ी बेहतर है। ईसी का यहाँ पे 14.46 LPA का है, 14.5 लाख का ईसी का एवरेज पैकेज है। मैकेनिकल का यहाँ पे डाउन है, 7.5 लाख का एवरेज पैकेज है एंड हाईएस्ट पैकेज 10 लाख का है। तो मैकेनिकल यहाँ पे लो रैंक पे मिलती भी है, लगभग अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 60,000 से 70,000 के बीच रैंक है, तो यहाँ पे आप मैकेनिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो सीए से भी स्पॉट राउंड काउंसलिंग तक में। अब बात करते हैं इस कॉलेज के पास्ट रिक्रूटर्स की, तो यहां पे पूरी लिस्ट दी हुई है जो कंपनियां सर्विस बेस हैं एंड जो प्रोडक्ट बेस हैं, सारी की सारी यहां पे विजिट करती हैं और डिसेंट पैकेज आपको यहां पे ऑफर करती हैं, चाहे वो TCS हो, IBM हो, Paytm हो, अडानी हो, सारी कंपनियां यहां पे विजिट करती हैं। क्रेडिट वगैरह यहां पे अच्छे ऑफर के साथ आती हैं, बड़े पैकेजेस के साथ आती हैं, तो ओवरऑल आप यहां से देख सकते हैं। एंड अगर बात करें ओवरऑल प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट नो डाउट ट्रिपल आई टी डी एम का बेहतर है। अगर यहां पे आपको
कंप्यूटर साइंस या ईसी मिल रहा है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली एडमिशन आराम से ले सकते हैं। मैकेनिकल के अंदर यहाँ पे प्लेसमेंट थोड़ी डाउन है, बट स्टिल मैकेनिकल हाई रैंक पे मिलता भी है तो उस हिसाब से ठीक है। अब बात करते हैं 2022 बैच के कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे मैंने हर एक कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक है वो बता रखा है, और ये जो कट ऑफ मैंने बताए हैं ये CSAB स्पॉट राउंड 2 के कट ऑफ बताए, एकदम लास्ट की क्लोजिंग रैंक बताई है, इससे ऊपर रैंक एक्सपेक्ट मत करना। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 2022 में कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 14,832 पे क्लोज हुई थी, ईसी यहाँ पे 23,294 पे क्लोज हुई थी, एंड मैकेनिकल जो है वो यहाँ पे 60,000 के आसपास क्लोज हुई थी 2022 में, एंड जो ईसी स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पे लगभग 64,659 पे क्लोज हुई थी। तो ये मान के चलो कि अगर आप 70,000 के अंदर रैंक ला रहे हो जनरल कैटेगरी से हो तो 50 से 70 के रेंज में है अगर रैंक आपकी, तो आपको मैकेनिकल या स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगा, और अगर आपकी 15,000 से 25,000 के अंदर रैंक है तो 15,000 वाले को कंप्यूटर साइंस एंड 25,000 वाले को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इस कॉलेज में मिल सकता है। अगर EWS कैटेगरी की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 18,000 पे क्लोज हुआ था एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 26,000 पे क्लोज हुआ था। मैकेनिकल जो है वो EWS कैटेगरी के लिए 65,000 पे क्लोज हुआ था एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 71,000 पे क्लोज हुई थी। OBC कैटेगरी की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 21,575 पे क्लोज हुआ था एंड ईसी जो है वो 31,481 पे क्लोज हुआ था, एंड जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए 79,740 पे क्लोज हुआ था। अब IIIT DM जबलपुर में जो फीमेल स्टूडेंट है उन्हें बेहतर बेनिफिट मिलता है क्योंकि यहां पे फीमेल ओनली का भी कोटा है, तो फीमेल ओनली कोटे के थ्रू आप अगर फीमेल स्टूडेंट है तो हाई रैंक पे भी, उनके भी कट ऑफ मैंने यहां पे मेंशन कर रखे हैं, आप यहां पे एडमिशन ले सकते हैं। इवन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं 1,20,000 1,30,000 के करीब रैंक है तो भी आप इस कॉलेज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ। तो ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हैं कंप्यूटर साइंस चाहिए और आपकी रैंक जेईई मेन के अंदर 22,000 23,000 आ रही है तो आप यहां पे मिल सकता है आपको लास्ट राउंड तक, एंड अगर ईसी चाहिए आपकी रैंक 35,000 के अंदर है तो आपको यहां पे ईसी भी मिल सकता है। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के लिए कंप्यूटर साइंस जो है वो 67,696 पे क्लोज हुआ था एंड जो ईसी है वो 90,764 पे क्लोज हुआ था। एसटी कैटेगरी के लिए जो कंप्यूटर साइंस है वो 78,653 पे क्लोज हुआ था एंड जो मैकेनिकल है वो एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1,97,519 यानी 2,00,000 के अंदर अगर रैंक है तो मैकेनिकल एसटी कैटेगरी वाले बच्चे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप ये मान के चलो कि अगर आप जनरल EWS या ओबीसी कैटेगरी से हो आपकी जेईई मेन में रैंक 70 या 75,000 के अंदर है तो आप इस कॉलेज में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर 50,000 के आसपास रैंक है 50 से 60 के बीच रैंक है तो आप यहाँ पे मैकेनिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर 20,000 या उससे अंदर रैंक है तो कंप्यूटर साइंस, और 35,000 या उससे अंदर रैंक है जनरल EWS ओबीसी से हो तो ईसी के साथ IIIT DM जबलपुर में एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप एससी एसटी से हो तो आपके लिए कट ऑफ मैंने बता ही दिए हैं, पूरी डिटेल कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख सकते हो। तो यह है कंप्लीट इंफॉर्मेशन IIIT DM जबलपुर के बारे में। ओवरऑल कॉलेज नो डाउट काफी बढ़िया है, कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट भी आपको बढ़िया मिल जाती है। बीटेक का कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज लगभग 19,00,000 का है एंड ईसी का लगभग 14,50,000 के करीब है, और मैकेनिकल पे यहाँ पे डाउन है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग न्यू ब्रांच है तो अभी उसके कट ऑफ आए नहीं है, प्लेसमेंट आई नहीं है बेसिकली, तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और मैकेनिकल के प्लेसमेंट लगभग लगभग आपको सिमिलर ही मिलेंगे देखने के लिए, कट ऑफ भी लगभग इनकी सिमिलर ही रहती है, ठीक है 10-12,000 15,000 रैंक का डिफरेंस आता है। तो यह है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन IIIT DM जबलपुर के बारे में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिएगा, यह वीडियो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी IIIT DM का जो व्यू है ना, जो नेचर का वहाँ पे व्यू मिलता है वो बहुत बढ़िया मिलता है, एंड डुमना नेचर पार्क तो बहुत बढ़िया है, ओवरऑल जबलपुर के अंदर काफ़ी पब्लिक वहाँ पे विजिट करती है, ठीक है डे बाय डे। एंड वीडियो जरूर लाइक करिएगा, मिलता हूँ मैं दूसरे वीडियो पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पे आपको जोसा काउंसलिंग 2023 से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूँ, दीजिए इजाजत मुझे, जय हिंद।